हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी जोन। आज मैं आपके साथ पर्पल हॉल शेयर करूंगी। पर्पल पे चल रही है विंटर सेल, तो मैंने वहां से कुछ ऑर्डर मंगवाए हैं, कुछ सामान मैंने कुछ प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे, तो उनका रिव्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या वहां से मैंने मंगवाया है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैं ब्लू हेवन के प्रोडक्ट्स। ब्लू हेवन के मैंने 4 प्रोडक्ट्स मंगवाए थे क्योंकि वहाँ पे सेल थी, बाय 4 गेट 40% ऑफ। मीन्स अगर आप 4 प्रोडक्ट्स लेते हैं तो आपको 40% ऑफ होगा। तो ये टोटली ये सारे प्रोडक्ट्स न्यू प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने नए लॉन्च किए हैं, तो ये मैं वो आपके साथ उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी। फर्स्ट है ये मेरे पास, ये है चेक टिंट, लिप एंड चेक टिंट। आजकल तो वैसे ट्रेंडी हो गया है लिप एंड चेक टिंट का। तो इसमें जो मेरा शेड है वो है रोजी डस्क। हियर इज द शेड मेंशन। ये इसकी पैकेजिंग है, पैकेजिंग बड़ी डिफरेंट सी है। ये है, वाव, ये एज एक लिपस्टिक की तरह है इसका शेड। ये देखिए, ये है रोजी डस्क। बाकी इनके जो अलग अलग रिव्यूज होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए कितना लाइट सा है, मैंने बहुत हल्का सा टच किया है। विंटर्स में ये बहुत ही अच्छा रहता है आपके क्रीम जो ब्लश होते हैं। नेक्स्ट है, ये है इनका प्राइम एंड शाइन गोल्डन पिंक। इसमें मेरा जो शेड है वो है गोल्डन पिंक, ये है प्राइम एंड शाइन। ये देखिए इसमें गोल्डन कलर, गोल्डन का इफेक्ट है। ये देखिए, वाओ, गोल्डन और पिंक कलर है। बहुत ही अच्छा है। बाकी इनके जो फाइनल रिव्यूज होंगे मैं वो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी, अभी तो मैं जस्ट आपके साथ हॉल शेयर कर रही हूं। नेक्स्ट है इनका, ये मैंने मंगवाया था लिप ऑयल। इसमें मेरा है क्लाउड बेरी क्लियर, ये बिल्कुल क्लियर वाला है। ये देखिए इसमें कोई मेरा शेड नहीं है, ये है, ये लिप ऑयल्स हैं। विंटर्स में हमें लिप ऑयल्स की ज़्यादा नीड होती है। ये देखिए बिल्कुल इसका कोई कलर नहीं है, सिंपल आपने लिपस्टिक लगाई है तो आप उसके ऊपर ये अपना लिप ऑयल लगा सकते हैं। ये देखिए, ये है लिप ऑयल्स। ठीक है, ये हो गए थर्ड आइटम। नेक्स्ट मेरी फोर्थ आइटम है, बहुत ही डिफरेंट और मुझे सबसे ज़्यादा वेट इसी की थी बिकॉज ये न्यू है। ये है स्टैक एंड स्ले। मेरा जो शेड है इसमें रॉयल डीप, इसमें ये है, ये देखिए, ये है छोटा सा मिरर, कॉन्टोर, देन ब्लश, देन ये आपका हाइलाइटर। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, ये तीनों ही क्रीमी हैं। इनका तो अलग से रिव्यू बनता है ताकि इसको यूज़ करके इसका डेमो भी आपको करके दिखाऊं। ये क्रीमी प्रोडक्ट हैं टोटली। ये देखिए कितना स्लीक सा है, इजीली आप इसको ये मेंशन हो सकता है, मतलब छोटी सी आपकी डिब्बी में आराम से आ जाएगा आपके बॉक्स में, और ये बिल्कुल एक इस बॉक्स में ये एज इट इज है। इसका प्राइस है 350 रुपीज। ये 350 की आपको 3 चीज़ें मिल रही हैं और वो उस पर भी मुझे 40% ऑफ मिला है।
और जो आपका वो है लिप ऑयल, उसका जो प्राइस है वो है 275 रुपीज, और जो आपका गोल्डन पिंक प्राइमर है उसका है 300, एंड ये जो है आपका ये ब्लश, इसका है प्राइस 275 रुपीज। मैं इनके प्राइस बताना भूल गई थी, तो मैं वैसे आपको मेंशन भी कर दूंगी सबके प्राइजेस, और ये मुझे सब डिस्काउंट्स में मिले हैं, आप इनको इजीली चेकआउट कर सकते हैं। एक मैंने मंगवाया था ये गार्नियर का माइसेलर क्लीनिंग वाटर, क्लिनजिंग वाटर, ये बहुत ही बढ़िया होता है। मेरे पास ब्लू हेवन का है, मैं वो भी यूज़ कर रही हूँ, वो भी अच्छा है, बट अब मैंने गार्नियर का मंगवाया। गार्नियर का भी बहुत अच्छा रहता है, लेकिन मेरा ये फिनिश हो गया था। इसमें दो वेरिएंट्स आते हैं, एक बहुत ज़्यादा अगर आप एचडी मेकअप है उसके लिए, वो ऑयल बेस्ड होता है उसके, मतलब वो गोल्डन कलर में है दो, और ये पिंक दो हैं, ये देखिए। नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये लैक्मे 925 प्राइम मैट प्राइमर, प्राइम मैट प्लस मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन, ये देखिए। ये भी मुझे 40% ऑफ पे ही थी, और इसमें जो मेरा शेड है W180 वार्म नेचुरल, और इसका जो प्राइस है वो 550 रुपीज है, बट ये 40% ऑफ पे ही थी। ये इसको मैंने यूज किया है विंटर्स के लिए, तो ये मुझे सबसे अच्छी लगती है। बस इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है कि इसमें पंप नहीं आता, इसमें स्पैचुला आता है बस। विंटर्स में ये अच्छी है, मेरे पास पैकिंग थी पहले भी, पर वो फिनिश हो चुकी है। ये एक न्यू आई है फेसेस कनाडा की, ऑल डे हाइड्रा मैट 3-in-1 फाउंडेशन मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, इसमें तीनों चीजें प्रेजेंट हैं। ये न्यू लॉन्च हुई है, ये मैंने मंगवाई है, ये मैंने ट्राई करनी थी, अभी मैंने खोली भी नहीं हुई ये। इसका जो प्राइस है वो है 521 रुपीज। ये 3-in-1 प्रोडक्ट है, ये ट्यूब पैकेजिंग में है। ये भी समर विंटर्स के लिए बहुत अच्छी है, ये देखिए कितनी अच्छी से ग्लाइड हो रही है। इसमें जो मेरा शेड है वो है मीडियम नेचुरल 022, ये देखिए। ये हो गए एक बॉक्स के प्रोडक्ट्स, फर्स्ट बॉक्स फिनिश हो गया है। ये है नेक्स्ट, एक मैंने मंगवाए थे, ये है कार्मेसी के सेंसिटिव सैनिटरी पैड्स, 100% रैश फ्री प्लांट बेस्ड, और ये हैं, ये जेल बेस्ड नहीं है, ये कॉटन बेस्ड हैं, ये देखिए। इस पे बाय वन गेट वन था, तो मैंने ये दो ऑर्डर किए हैं, ठीक है। ये 10 की पैकेजिंग है, और इसका प्राइस है 220 रुपीज। ये 220 के मुझे मतलब 20 मिले हैं, और एक पीस एक बॉक्स में 10 होते हैं। ये है इसकी बॉक्स की पैकेजिंग। और ये सस्टेनेबल, हाँ, वाइडर पैक है, अब्जॉर्ब कोर है, और सॉफ्ट है, और बिल्कुल ये कॉटन बेस्ड है। ये है फर्स्ट टाइम ट्राई है, चलो देन नेक्स्ट है ये स्विस ब्यूटी के, ये भी न्यू लॉन्च है, स्विस ब्यूटी क्रेज, ठीक है। तो ये मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये भी बड़े डिफरेंट डिफरेंट से प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। वैसे ना ब्लू हेवन की मैंने पहले मंगवाई थी लिप ग्लॉस, वो भी बहुत अच्छी है। ये है ब्लू अस की स्विस ब्यूटी की क्रेज की, ये है लिप ग्लॉस। ये लिप ग्लॉस है, नॉट अ लिपस्टिक, और इसका शेड देखिए, ये टिंटेड लिप ग्लॉस है, ये टिंट देती है, बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग है। ये इसका प्राइस कहाँ मेंशन है, इसका प्राइस और आई डोंट नो, प्राइस जो होगा मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। 199 रुपीज, ये भी ऑफ में ही थी। एक ये है, ये टेंट है, लिप एंड चीक टेंट, ये मुझे तीनों के साथ फ्री था, ठीक है।
तो ये आप देख लीजिए, मुझे इसकी पैकेजिंग बड़ी अच्छी लगी, क्लियर सी पैकेजिंग है ये देखिए। नाउ सी, ये फ्री है प्रोडक्ट, और ये फ्री प्रोडक्ट है, इसका जो वेट है 99.6 ग्राम्स है और 300 इसका, 299 इसका प्राइस है। ये देखिए बहुत ही क्रीमी सा है, ये देखिए वाओ, मतलब फ्री है बट बहुत अच्छा है। इन सबके तो अलग रिव्यूज बनते हैं, वीडियोस अलग अलग आएंगी तभी क्लियर होगा, क्योंकि इसमें तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे तो। ये नेक्स्ट है स्विस ब्यूटी का ये आईलाइनर, ये डबल आईलाइनर है, ये देखिए पेन आईलाइनर। नाउ सी, मुझे था कि इसकी टिप बहुत मोटी है मैं पकड़ के लगाना, बट ये जस्ट आप देखिए, ये जस्ट टच हो रहा है। ये देखिए, मैं कोई ब्रीक लगाना है, अगर आपने थिन से थिन लगाना है वो भी लग जाएगा। इसका एक और पॉइंट है, ये देखिए इसके पीछे आती है स्टैम्प, अगर आपने इसको विंग लाइनर लगाना है, जिनके लिए जो न्यू है, ये देखिए ठीक है, इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी मैं कि ये कैसे यूज होता है। नेक्स्ट लास्ट ये है मस्कारा, ये ड्यूल मस्कारा है, डबल साइडेड, डबल दोनों की तरफ है। ये है कि एक तरफ लेंथनिंग है, एक तरफ वॉल्यूमनाइजिंग है। ये देखिए ये देखिए ड्यू मस्कारा मेंशन है यहाँ पे, और यहाँ लिखा हुआ है फॉर वॉल्यूम एंड फॉर लेंथनिंग, सी ठीक है, जो लेंथनिंग के लिए है वो देखिए उसका वॉन्ट ब्रीक है थोड़ा, और जो आपका वॉल्यूम के लिए है वो थोड़ा सा ब्रॉड है। ये देखिए, बाकी तो हम यूज करके ही बता सकते हैं कि इसके ये कैसा वर्क करता है। ये था मेरा पर्पल हॉल, अगर आपको मेरा हॉल अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए कि आप में से इनमें से आपने कौन कौन सी आइटम्स यूज़ की हुई हैं, और आपको उनके फीडबैक दीजिए कि आपको वो कैसी लगी। बाकी मैं अपनी फीडबैक आपको वन बाय वन ज़रूर दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।